अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करते हैं 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के। तो अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ की आने वाली अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 330। इफ देयर एचसीएफ इज 11 देन देयर एलसीएम इज, हमें क्या फाइंड करना है? हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें गिवन है 330 और उसके साथ साथ हमें एचसीएफ भी गिवन है 11 और हमें फाइंड क्या करना है, तो एलसीएम क्या होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको पहले हम लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विच विल बी इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी गिवन है और उसके साथ साथ हमें एचसीएफ भी गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ इस तरफ ले आएंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ विच विल बी इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमें यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है तो इसको हम यहीं रहने देंगे और एचसीएफ हमें क्या करना है, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल में इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमारा सेम रहा, यहाँ एचसीएफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आकर हमारा डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें क्या गिवन है, 330 गिवन है तो यहाँ पर पुट कर दिया और उसके साथ साथ एचसीएफ हमें गिवन है 11 तो हमने यहाँ 11 पुट कर दिया। जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 30। अब यहाँ पर आप ऊपर ऑप्शन में देख सकते हैं कि 30 हमारा कहीं भी आंसर नहीं आ रहा, इट मीन कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। अब हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि 125 पे हमें 4/3 पावर के तौर पर गिवन है और हमें बताना है कि किसके इक्वल आता है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने वही टर्म लिख दी जो हमें गिवन है, 125 पे पावर गिवन है 4/3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 हमें ऐसा नंबर लेना है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आ जाए, 125 आ जाए, ताकि हम 3 को उस 3 से कैंसिल कर सके। तो हम क्या करेंगे, 5 पे पावर क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। जब 5 को 3 टाइम खोलेंगे, 5 × 5 × 5 तो आंसर क्या आ जाएगा, 125। तो इसको हमने क्लोज करके रख दिया 5 पे पावर 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस 3 से ये 3 हमारा कैंसिल हो सकता है, तो हम क्या कर देंगे, इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास पावर क्या रह जाएगा, 5 पे पावर 4 रह जाएगा। तो 5 को जब 4 टाइम खोलेंगे तो 4 टाइम खोलने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 625। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 125 पावर 4/3 हमारे किसके इक्वल आया है, 625 के इक्वल आया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट फ्रैक्शन इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 1/5 और 1/7। अब यहाँ पर हमें ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों टर्म्स की दरमियानी टर्म क्या हो सकती है, हमारी क्या फ्रैक्शन हो सकती है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया इफ ए एंड बी आर एनी नंबर्स, हम कंसिडर करते हैं कि ए एंड बी मीन्स ए 1/5 और बी हमारा 1/7, ये हमारे कोई टू नंबर्स हैं, देन मिडवे बिटवीन तो इनकी दरमियानी टर्म होगी, देन इज एवरेज, हम एवरेज के फॉर्म से सॉल्व करेंगे। हमने ए को कंसीडर किया है 1/5 और बी को कंसीडर किया 1/7, हमारी टर्म्स कितनी है, 2, तो डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, ए हमारा 1/5 तो हमने पुट कर दिया, प्लस बी हमारा 1/7 तो हमने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 हमारा सेम रहा। अब हम क्या करेंगे, 5 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या निकलेगा, 35, तो हमने यहाँ पर 35 रखा है। 35 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7, 7 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। अगेन 35 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5, तो 5 × 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 5, डिवाइडेड बाय 2 हमने यहाँ सेम रखा है। 7 + 5 कितने हो जाएंगे, 12, तो 12/35 हमारा आ गया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, 2 × 1, 2 × 6 करेंगे तो क्या आएगा, 12, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6 × 1 = 6 और 35 को 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35। आफ्टर कैंसिलेशन जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारी फॉर्म क्या बनेगी, 6/35, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 6/35। इट मीन कि मिडवे बिटवीन जो टर्म होगी वो हमारी क्या होगी, 6/35।